नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी कातला भुना। तो चलिए देख लेते हैं कि कातला भुना मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल एक रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने फिश को मैरिनेट किया है थोड़ा सा हल्दी, थोड़े नमक और थोड़े से नींबू रस के साथ। ये मैंने नहीं दिखाया है, मैंने उसको स्किप कर दिया है। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। नींबू का रस मैं इसलिए ऐड करती हूँ जिससे कि फिश में जो एक बैड स्मेल होता है वो दूर हो जाए, इसलिए मैं इसमें नींबू का रस ऐड करती हूँ। फिश को मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मस्टर्ड ऑयल में ये सब रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। जब तक फिश फ्राई होता है मैं एक मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक छोटे से बोल में एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून हल्दी और नमक जो है बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक को पहली बार में थोड़ा सा कम रखिएगा क्योंकि ये सिर्फ मसालों के साथ बनेगा ये रेसिपी, तो नमक जो है वो बाद में भी आप ऐड कर सकते हो आप अपने स्वाद अनुसार, इसलिए नमक थोड़ा पहले कम रखिएगा। और थोड़ा सा चीनी, चीनी हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा टेस्ट को डिफरेंट करने के लिए, और जो कलर जो आएगा रेसिपी में वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा घोल लेंगे। अब मैं उसी ऑयल में, जिस ऑयल में मैंने फिश को फ्राई किया है उसमें हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर लिया है। करने के बाद मैं जो मिक्सचर बना के रेडी किया हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करके इस मिक्सचर को हमें अच्छे तरीके से भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना होता है। 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम में हम अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे जिससे कि इसका कच्चापन जो है बिल्कुल दूर हो जाए। उसके बाद हम फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को फिर 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इस तरीके से हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। एक ही प्रोसेस को हमें 2 से 3 बार रिपीट करना होगा। उसके बाद जब हम अच्छे तरीके से मसाले जो है भून जाए, उसके बाद हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद जब ये थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, पानी थोड़ा सा बॉइल्ड होने लगे, उसके बाद ही हम इसमें फिश ऐड कर देंगे। फिश ऐड करने के बाद हम इसे करीबन 6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको छोड़ देंगे 6 मिनट के लिए। 6 मिनट बाद हम इसका ढक्कन निकाल के इसमें 20 से कट किया हुआ हरी मिर्च, अभी तक हमने तीखेपन के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया है, अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए मैं फिर ढकूंगी जिससे कि इसके अंदर तीखेपन का जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से आ जाए। ये रेसिपी बहुत जल्द और बहुत झटपट बनके रेडी हो जाती है। देखिए ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनके। ये आप गर्म गर्म चावल के साथ बहुत बढ़िया लगता है खाने में। आज का ये वीडियो मेरा बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।